Assalamualaikum Leute. Assalamualaikum everyone. Here is Amar Akhtar. जनाब कैसे हैं सब लोग? आज हम निकले हुए फिर से केमाल साथ है केमाल इस तबाही. तो कुछ लोग आज जर्मन में भी होगा, जर्मन जबान में भी हमें ये साथ है, तो इसको भी समझ आनी चाहिए. हम निकले हुए जहाँ पे यहाँ पर दरिया है, छोटा सा नहर है बल्कि कह लें, तो इसका नाम है जा. इस सिटी का नाम ही सारब्रुकन है जैसे, तो उसी के नाम पे ये है. तो हम निकले हैं अभी सैर पे. बारिश हो रही है, हल्की बारिश जैसे कि लगी है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है. ऑलमोस्ट 1.5 डे हो चुका है, आज संडे है. तो सूरज रूब होने का भी आपको मंजर दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी किसी लोकेशन पे जाके तो चलें देखते आगे. लॉकडाउन होने की वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं हैं, वैसे मौसम इतना खास नहीं है, अच्छा नहीं है. तो सनसेट सामने है यार, ये मैं अपना बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुका हूँ ऑलमोस्ट आपको सनसेट वगैरह वो समझ लो. ये चेक करें, ये है नहर यहाँ की जिसका नाम जा. ये मेन सिटी है, हम मेन सिटी में घूम रहे थे करीबन. ये ऊपर पुल बना है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर मैं काफ़ी क्लिप्स ले चुका हूँ टिकटॉक वीडियोस के लिए. यहाँ रात को इसका मंजर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं. छोटा वो सनसेट चेक करके आप बहुत है, माशाल्लाह जूम करके दिखाएं. वाह माशाल्लाह, बारिश भी साथ में जारी है. केमल ने कहा कि ऊपर ब्रिज के जा गए, ये जो पुल के बारे में आपको बता रहा है, यहाँ पर जाके हम वीडियो शूट करेंगे या तस्वीर बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मंजर है सन का. बारिश भी साथ में जैसे कि बता रहा हूँ जारी है, हल्की सी पंजाबी में जैसे कहते हैं कड़ियाँ लगी हुई हैं. हम जा रहे हैं ऊपर यादगिरी के लिए, ब्लॉग वगैरह सब ले जाता हूँ. ये हम ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, ब्रिज पे चल रहे हैं अभी, जिसका मैं जिक्र नीचे से कर रहा था. ये एक ऐसा है यहाँ पर जो मंजर अभी सूरज का कैप्चर होने लगा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह. चेक करें दादी का जाओ हिप अल्लाह, यहाँ से लेंगे भाई. तस्वीरें हमने बना ली, लेकिन सूरज जैसे कि बहुत तेज़ी से ग्रूब हो गया. अभी चेक कर सकते, अभी भी हम वहीं हैं, इतना घास नहीं रहा अभी. केमल की मुझसे ज़्यादा बेहतर तस्वीरें आई, क्योंकि इसका मैंने स्टार्ट में ही तस्वीरें बनानी शुरू कर दी थी. तो ये सारब्रुकन सिटी है, जिनको नहीं पता वो फिर से देख लें, पहले भी मैं काफ़ी यहाँ पर ब्लॉग्स बना चुका हूँ. लेकिन सनसेट यार अभी भी कमाल का, देखें कैसे स्काई का रंग जो है माशाल्लाह तब्दील हुआ हुआ है. तेरे हमने गगन इस तरह से स्काई को आला जर्फ फंदिया साइड इज द हिमल जो जो अंदास्ता या अनु फाइन साइड पे ना या द वो दी वॉल्कन जंग लॉबी यो फिंकन रेक. चलते चलते आपको एक चीज़ और दिखाता जाऊँ, ये जो टॉप पे पहाड़ी पे नज़र आ रहा है, ये सामने जो बिल्डिंग है, ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है विंटरबर्ग, इसका नाम है, क्योंकि इसी पहाड़ के नाम पर इसका नाम है, पहाड़ी का नाम भी विंटरबर्ग है. विंटर का मतलब होता है सर्दी है, मतलब विंटर, और बर्ग का मतलब पहाड़ होता है. तो ये हॉस्पिटल का नाम भी विंटरबर्ग है, और ये सारब्रुकन सिटी है. ये यहाँ का मेन जीटी रोड भी है, और मानो ये जा है सामने जिसका जिस पे हम अभी घूम रहे हैं. साथ ही साथ वो सामने एक शिप है जो कि अभी पानी में चला गया है, यानी कि तबाह हो गया है. वो भी आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ की किसी दौर में, बल्कि किसी का दौर में, कुछ माह बाद पहले की बात है, कि यहाँ की सबसे बेस्ट और टॉप की शीशा बार थी, यानी यहाँ पर शीशा स्मोक किया जाता था, जो कि बहुत ही मशहूर थी इस एरिए में. फ्रांस में भी दूर दूर से लोग यहाँ पर शीशा पीने आते, लेकिन जैसे कि कुछ नुकसान या किसी गलती की वजह से वो पानी में भी है. तो काफ़ी देर से बंद था कोरोना की वजह से, तो वो आपको दिखाते हैं करीब से. ये बर्लिन पोमिनाद है इसका नाम, जहाँ पर हम जा रही हैं स्ट्रीट. ये यहाँ की शॉप्स हैं एंसंस,
टीके मैक्स और ज्वेलरी की दिखाने हैं, काफ़ी मशहूर ज्वेलरी है यहाँ पर। रोलेक्स तक घड़ी है उसमें, बहुत महंगी महंगी वॉचेस हैं। तो ये है वो शिप जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये देख सकते हैं कैसे नीचे चला गया धंस के पानी में पूरे का पूरा। अभी आगे जाके और आपको दिखाएंगे करीब से। ये जनाब शिप जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी पानी के नीचे चला गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। टॉप की शीशा भारती यहाँ की एम्फिना शिप के नाम से मशहूर था। अभी ये पानी में फिश है, मछलियों के लिए है शीशा, अब मछलियाँ पियेंगी यहाँ पर शीशा। लेकिन जी आइस खानी है किसी ने भाई ठंड में, तो आज आइस का प्रोग्राम भी सेट है यहाँ पर। अरे ये यहाँ की मशहूर और मेन जगह है जहाँ काफ़ी मशहूर है, मतलब यहाँ पर जब भी छुट्टी होती है या रिलैक्स करते हैं लोग चिल मिल करने के लिए यहाँ ही आते हैं। जात रिपो इसका नाम है, बानो शाह से साथ में। अभी और भी सिटीज़ में जाके आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जगह मैं हर अपने व्लॉग में शायद पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, शायद पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये मिल गया, करीब नहीं जाऊँगा क्योंकि ये काटेगी मुझे। क्या मत है बेबी इसके छोटे छोटे नन्ने मुन्ने, पापा इसका मेरी तरफ आ रहा है, कहीं घुसेड़ ना दे चूंच। नया वो फल था इसलिए खाता कम वीडियो कम था इन। देखो हम सुखा, देखो हम सुखा, jetzt sagt die Mutter nein, du bist nicht. Ja. Sicher, sicher. Ja, geh nicht zu Fremden. Ich nicht. Ja. Hey, karte bhai inko nanne munne babies ko. Lo ji badal ban ke aa chuka hai phir se. Aur ab bhabhi hum abhi bhi idhar hi ghoom rahe hain. Almost andhera ho chuka hai. Check karein ye badal hai bhai. अभी लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। वाह ओके alles kommt regnen ne komm von der seite das wird jetzt auf einmal los दिल चेक करें भाई क्या बन क्या है यहाँ पर, अंधेरा कायम इस कदर बादल बन के आ रहे हैं। अभी लगता है कि यहाँ पर जो बारिश होने वाली है उसके साथ बर्फ भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे पंजाबी में ऐन कहते हैं। हम जा रहे हैं शहर की तरफ कि इससे पहले बारिश स्टार्ट हो जाए और हमारा यहाँ पर शाहरुख खान वाला पोज बन जाए बॉलीवुड, क्योंकि काजल प्रैंक का हमारे साथ नहीं है, देखिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, केले भीग कर निमोनिया ना कर लें।